कि तुम्हारा भाई कर रहा है दोबारा से ट्रांसफॉर्मेशन। मैं जो जो भी प्रोडक्ट्स यूज करने वाला हूँ प्रॉपर मेरा स्टैक आ चुका है। पहले मैं तुम्हें अपना स्टैक दिखाता हूँ, कौन मेरे कोच होंगे। अगर ये मेरे सामने मेरी गाड़ी में हो रहा था ना, मर जाता मैं तुम्हारी गाड़ी में। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो मेरे सारे भाई? और भाई बाल थोड़े से इग्नोर करना, आज बेकार लग रहा है कि तुम्हारे भाई का हो गया ड्रायर खराब, तो ड्रायर लेंगे ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं इसकी गाड़ी ठीक कराने। तेरी गाड़ी में क्या दिक्कत आई भाई? गियर में लाइट नहीं जल रही यार। तो क्या गियर में लाइट जल रही? गियर तो डल रहे हैं, क्या दिक्कत है? तेरी बहन गवार मारे। टाइम से पहले मिल गई ना फॉर्चुनर, गलती इसकी नहीं, बिहार में मिलती ना स्कॉर्पियो एन, तब पता चलता। पता नहीं क्या मजा निकला है। सही है ना? तो भाई अब हम जा रहे हैं उत्तम टोयोटा। और ये भाई कौन सी बार जा रही है? एक महीने में तीसरी बार क्या खुजा रहा है भाई? जान अच्छा। पहली बार में ये लाइट खराब कर दी जब सर्विस हो गया, और दूसरी बार में भाई इसकी लाइट नहीं आती, और तीसरी बार में ये खराब कर दी थी। तो भाई अब थर्ड टाइम जा रहे हैं इसे ठीक कराने। अब इसके पापा ने कह दिया कि अगर ये ठीक होती हो तो ठीक है, वरना इसमें वही आग लगा के आ जाइए ठीक है। तो अगर ठीक नहीं हुई तो इसने अपनी माँ कसम खाई है। तो भाई फटाफट ठीक कराते हैं इसे और कुछ खाने पीने चलेंगे। और भाई बहुत सारे मेरे भाई और बहने, बहने तो नहीं, भाई और लड़कियां मैसेज कर रही थी कि अरे लड़कियों का मैं जा रहा हूँ, लड़कों के भाई जिंदा हूँ, मर गए आएगी, ब्लॉग कौन बनाएगा। तो भाई यार सॉरी, एक्चुअली मेरे एग्जाम तो खैर खत्म हो गए थे, क्या झूठ बोलूं, भाई थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इस चक्कर में भाई ब्लॉग डिले होते। बट आई प्रॉमिस इतनी जल्दी से जल्दी हो पाएंगे उतनी जल्दी ब्लॉग डालेगा तुम्हारा भाई। तू कस रहा भाई? जल्दी जल्दी भाई जल्दी। तो भाई अब चलते फटाफट मेरे गाड़ी को ठीक कराते हैं, उसके बाद प्रभात पार्टी दे रहा आज है प्रभात। और भाई एक चीज और बतानी भूल गया, प्रभात के पापा हो रहे इलेक्शन में खड़े, हंसकुरा है ये दोनों सगे भैया हंस रहा है, बतानी जरूरी है भाई, तो पूरा सपोर्ट करो भाई, वोट दे दिया। वोट डालने का किस पे गाइस? छोड़ो तुम दुआएं कर लेना बस, किसके पापा जीत जाए, दिल से चाहते हैं हम ठीक है। अगर एड्रेस बताए तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे कब है इलेक्शन? 18 को। तो भाई जीत पक्की है, जीत साइड ही पक्की, ऐलान होना बाकी है। ओ पैरियां दा रोना दे हैरान होना बाकी है, ओ जित साडी पक्की, ऐलान होना बाकी है। चलो यार गाइस, मेरा बहुत मन था तुम्हें बुलाने का, पर वो एड्रेस का ड्रामा हो जाएगा साला, छोड़ो मरेगा। इसकी खबर आएगी कि एंडियोर वाला बहुत अच्छा था भाई साहब, खोल देते तुम ही खोल दो किससे। नाम प्रभात यादव। ओ यदुवंशी, ये यादव, ये उनके हैं श्री कृष्ण। ओए मोबाइल नंबर दो, मोबाइल नंबर आप मतलब 2 मिनट रुक जाएगा यार। 9 8 7 9 6 2 2 1 3 7 तो रहेगा। चल 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 आवाज आ जाएगी, चल बहुत बढ़िया, चल आवाज आ जाएगी। यहाँ तो इसकी आएगी जो गार्ड खड़ा है पीछे, किसी ना किसी की तो आएगी। ओ माय गॉड, बड़ा पार्किंग। अब एक बात तो बता, तुमने काट दिया फोन की उठा रहा हो? चलो तो खुद ही फ्यूज लगाओ, खड़े हो फटाफट लेके आओ यार से बात करता। बचपन का दोस्त। पकड़ के ले ही आया। देख लो भाई अब नीचे बंदी से लगे हुए तेरे परेशान इतनी देर से। तुझे मैं तेरी गाड़ी शादी पे गाड़ी गिफ्ट कर रहा हूँ, ये वाली। बाकी जो खर्चा होगा उसमें इंजन पिंजन का अपने आप कर लियो। कहाँ पे? हाँ देख वो भी देख सकता है, तेरे पे 3 गाड़ी का ऑप्शन है, कलर का भी चॉइस है ठीक है। तेरे भाई दिल बहुत बड़ा, कोई दिक्कत नहीं। और भी ऑप्शन है, एक ईयरी ब्लैक। देख भाई ब्लैक का ऑप्शन दे दिया ठीक, और तेरे लिए ये वाली ब्लैक, अरे वो मुझे नहीं चाहिए है ना। अगर ये मेरे सामने मेरी गाड़ी में हो रहा था ना, मर जाता मैं तुम्हारी गाड़ी में। मैं देख सकता अपनी खोला खाली, उससे भी नहीं देखा जा रहा भाई। ये क्या है? क्या हो गया? गंदा पड़ेगा? गंदा से बचाई क्या है? नहीं कुछ वैसा पड़ा। ये बल्ब निकल गया, कौन से कलर का मांग रहा है? लाल।
तू कौन सा मारा संतरी भगवा भगवा चमकीला चमकीला आ गया भाई बल्ब आ गया लगाना वो ये भाई को। अरे भैया इन्हें दहेज में मिल गई है समझ रहे हो, इन्होंने देखी थी कभी, पूरी जिंदगी साइकिल पे निकाली इन्हें, अंकल पे तो थी हमारे पे कई लोग देख रहे हो आते बताऊंगा। बल्ब के मारे दोबारा ना पड़ेगा है? दोबारा ना पड़ेगा छोटे से बल्ब के मारे? देखो अगर होगा हाँ, वैसे तो मुश्किल है भाई, और निकाल लो क्या पता लग रही है ना, इसी चक्कर में तुम्हारा निकला था, दूसरे वाले ने बोला क्या पता चल रही है तो आज तुम्हारी बिना बल्ब के है ये तो भाई वापस घर जा रहे हैं, इसकी लाइट तो मिली नहीं, अब हमें आना है 10 दिन बाद। बचा कुचा बल्ब और खोल दिया तो बचा कुचा कह रहा भैया बल्ब तो ठीक है, फ्यूज और फूक गया इसका, फ्यूज और डाला उसने अब इसमें, तो आएंगे 10 दिन बाद, अब चल रहे हैं सीधा घर, घर नहीं यार कुछ। और भाई तुम्हें एक फॉर्च्यूनर दिखाता हूँ, भाई जैसे वो एक विकास दयाल भाई है ना एक्सप्लोर दन सीन वाले, सेम मुझे लग रहा है उनकी फॉर्च्यूनर जैसे यही खड़ी है, देखो सेम एक्सीडेंट पूरी खत्म है, पूरी देखना बिल्कुल वही सेम। अरे एक बात बताओ, UP 16 है, UP 16 है, नंबर लगा ये UP 16 है, मुआवजा बोले। ये देखो ये बल्ब है जिसने हमारी जिंदगी की बेकार करे हैं, 1 घंटा फेंक से दिखा के लेना दूसरा। अकिन परसों दोबारा बुलाया, अबे तो ये बल्ब 100-150 बल्ब है ना, और लेबर देंगे 1000 रुपए, इसे होता है पैसा बोलते हैं इसे। तो भाई वहां से निकल गए मस्त, अब जा रहे हैं दोस्त के पास। और भाई एक चीज तुम्हें मेरे को मतलब बतानी थी, जैसे बहुत दिन से मेरे सारे भाई कह रहे थे कि मयंक भाई ट्रांसफॉर्म करो, तो भाई फाइनली मैंने अब सोच लिया है कि तुम्हारा भाई कर रहा है दोबारा से ट्रांसफॉर्मेशन। और भाई मतलब ये मान लो कि जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं सिर्फ एक ही चीज का वेट कर रहा था, प्रॉपर अपने ठीक होने का, रिपोर्ट्स आ जाए, एक बार डॉक्टर चेकअप करा लूं कि अब सब ठीक है, मैं प्रॉपर सप्लीमेंटेशन डाइट कर सकता हूं नहीं कर सकता। तो भाई मैंने अब डाइट डॉक्टर से कंसल्ट किया और उसने बोला कि अब कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई ये देखो तुम्हें यहाँ पे मेरी सारी फोटोज दिख रही होंगी, जो मैं पहले कैसे अनफिट से फिट हुआ था और अब दोबारा अनफिट क्यों हुआ वो तुम्हें रीजन पता है, राजीव के चैनल पे सब कुछ तुम्हें A to Z सब पता था कि मेरे साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो इस चक्कर में भाई रिकवरी में मतलब इतना लंबा टाइम लग गया, फर्स्ट टाइम हुआ कि इतनी लंबी रिकवरी में मेरे को टाइम लगा और इतना बुरा हाल हुआ था मेरा। तो भाई सबसे पहली बात नेचुरल जाऊंगा, कुछ भी गड़बड़ इस बार नहीं करने वाला मैं, चाहे 4 महीने लगे, चाहे 5 महीने लगे, चाहे 6 महीने लगे, सब कुछ तुम्हारे साथ ट्रांसपेरेंट रहेगा। और मैं क्या क्या डाइट लेने वाला हूँ, कौन मेरे कोच होंगे, ठीक है कोच तो खैर क्या भाई तुम्हें पता ही है, राजवीर भैया ही हैं, तो राजवीर भाई कराएंगे सर, उन्होंने पहली इतनी बार कराया है। सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि इस बार जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं करूंगा उसमें मैं जो जो भी प्रोडक्ट्स यूज करने वाला हूँ, प्रॉपर मेरा स्टैक आ चुका है और जो भी मैं स्टैक यूज कर रहा हूँ, तुम जैसे मैंने पहले दिखाया था एक आध दिन गया था कंटिन्यूशन में कुछ भी नहीं हो पाया था, बट प्रॉपर मेरा स्टैक और सब कुछ आ चुका है। सबसे पहले मैं तुम्हें अपना स्टैक दिखाता हूँ, जो जो मुझे जैसे भाई ने बताया था कि ये सामान ले आ, तो मैं वो सारा सामान आ चुका और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। भाई सबसे पहले देखो मैं मसल ब्लेस का बायोजाइन परफॉर्मेंस वे, जो मैंने तुम्हें बहुत बार पहले बार बता भी चुका हूँ वीडियोज में, तो मैं यूज करने वाला हूँ भाई इसे। भाई दूसरा यूज करने वाला हूँ मैं मसल ब्लेस का फिश ऑयल गोल्ड। तीसरा भाई सबसे इम्पोर्टेंट मसल ब्लेस का L-carnitine। और भाई मेरा मसल ब्लेस का प्रोटीन पीनट बटर क्रेविंग्स मारने के लिए, क्योंकि भाई मीठे का इतना मतलब टेस्ट चढ़ चुका है ना मुंह पे इन दिनों में, तो इसको कंट्रोल करने के लिए भाई ये पीनट बटर यूज होएगा, ब्राउन ब्रेड में जाके मस्त खाऊंगा। भाई मसल ब्लेस का ये प्री वर्कआउट एक्सट्रीम तुम्हें दिख रहा होगा, उसका मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया भी था। और भाई ये है मसल ब्लेस का BCAA Pro। जो मैंने इसको ऐड करा है मैंने अभी तक यूज नहीं किया था, इससे पहले मैं BCAA यूज कर रहा था, प्रो मैंने यूज नहीं करा था, तो भाई इस बार मैंने मंगाया ये। भाई सबसे बड़ी बात भाई एक तो ये फैट कट करने में हेल्प करेगा, और इसका इस बार नया फ्लेवर इन्होंने लॉन्च करा है नेचुरल ग्रेप। भाई मैंने इसके पहले जो नॉर्मल BCAA आते थे उसके फ्लेवर ट्राई करे थे ऑरेंज वगैरह, बट जो इसका मैंने अभी सिर्फ 2 स्कूप लिए हैं, बट इतना अल्टीमेट टेस्ट है ना इसका, एक बार मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि इसे टेस्ट करो, मजा आ जाएगा आपको इसे पी के। भाई सबसे बड़ी बात ये फैट किल में मतलब फैट को काटने में हमारी बहुत हेल्प करता है और हमारी मसल रिकवरी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ड्यूरिंग वर्कआउट उसको ले, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसको ड्यूरिंग वर्कआउट लेना, आप कभी भी ले सकते हो, बट ये है कि ड्यूरिंग वर्कआउट ही हमारी मसल रिकवरी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और जैसे कि भाई आपको इसमें पीछे जो इसके इंग्रेडिएंट्स दिख रहे होंगे, 7 ग्राम BCAA, इसमें मिल जाएगा 500 mg गार्सिनिया और
1500 mg स्पेशल ग्रेड कार्निटाइन फ्रॉम कार्निप्यू, और भाई हमारी हेल्प करेगा फैट को बर्न करने में एकदम बॉम तरीके से। तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा, कोई ज्यादा महंगा प्रोडक्ट नहीं है, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। तो भाई नेचुरल ग्रेप इसका भाई ये वाला फ्लेवर जरूर ट्राई करना, मतलब आप सारे फ्लेवर भूल जाओगे इसको ट्राई करने के बाद। तो भाई मैं नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, किसी भी मेरे भाई को बाय करना हो तो वहां से जाके बाय कर लो, और मेरा कूपन कोड लगाना मत भूलना Mayank30 टू गेट बेटर एंड बेस्ट डिस्काउंट, ठीक है भाई। तो Mayank30 मेरा कूपन कोड है, याद रखना। तो भाई मैंने आपको जैसे कि ऑल ओवर अपना सारा स्टैक दिखा दिया, जो भी मैं इस वक्त ये सप्लीमेंटेशन यूज करने वाला हूँ, और जो अब मैं डाइट यूज करने वाला हूँ भाई, डाइट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो भाई देखो आपने पूरी स्क्रीन पे डाइट देख ली होगी, जो जो मैं इस बार जैसे जैसे फॉलो करने वाला हूँ। मैंने भाई से ही पूछी थी तो भाई ने मेरे को सारा गाइड कर रहे हैं, और बस अब भगवान ने चाहा और सब कुछ अच्छा चलता रहा तो तुम्हारा भाई बिल्कुल सीरियस होके वर्कआउट पे लग जाएगा, मतलब लगी जाऊंगा यार अब तो, और ट्रांसफॉर्म होकर तुम्हें बढ़िया करके अच्छे रिजल्ट दिखाऊंगा। मैं कोई बहुत अच्छी मतलब वैसे एक्सट्रीम लेवल पे बॉडी नहीं बनाऊंगा, एकदम फिट होके एकदम बढ़िया, मतलब कि जब मैं हो सकता हूँ भाई इतने फैट लेवल पे आने पे फिट होऊंगा दोबारा रिकवरी के बाद, तो भाई तुम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, भगवान ने चाहा सब कुछ सारी ट्रांसफॉर्मेशन बढ़िया रही तो एकदम बॉम रिजल्ट आने वाले हैं। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, तुम भी रहना, और भाई पूरा पूरा सपोर्ट करना अपने भाई को। अगर तुम बोलोगे कि जब मेरे में जैसे रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे तो मैं उसके भी वर्कआउट आपको बताता रहूँ कि मैं क्या वर्कआउट कर रहा हूँ, मतलब वो तो मैं मोटा मोटा दिखाऊंगा भाई देखो, क्योंकि उसमें तो भाई मास्टर हैं, उनसे ऊपर कोई है ही नहीं, ठीक है। तो वो तो सब मैं भाई के अंडर रहूंगा, बाकी ये अपनी डाइट और अपने बीच के एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा कि मैं क्या क्या ले रहा हूँ, कैसे कैसे डाइट कर रहा हूँ, तो तुम्हारा भाई बिल्कुल ऑनेस्ट होने वाला है, बस भगवान करे इस जीप पे कंट्रोल हो जाए, ठीक है। तो मे बी आज भाई लास्ट चीट डे हो तो देखते हैं, अगर कुछ खाने पीने जाते हैं बढ़िया सा तो तुम्हें दिखाऊंगा आज दब के खाएंगे अगर चीट डे हुआ। वैसे चीट डे तो करेंगे ही आज, क्योंकि अभी आज है फ्राइडे, तो अभी 2-3 दिन बढ़िया एकदम चीट डे करके, और उसके बाद मंडे या ट्यूजडे से अपना बढ़िया वर्कआउट में लग जाएंगे, 1-2 दिन के और काम रह गए उन्हें निपटा के बस फिर लगते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। पहली बार रिकॉर्ड टूटेगा, लेबरा काटेगा किसी को, अब ऐसे करता भाई फाइनली आ गए, जैसे कि कहा था मैंने चीट डे करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमारे त्यागी जी लेके आए हैं, कोई नाम तो बताऊंगा नहीं, फिर मैं प्रमोशन नहीं कर रहा करी कॉर्नर है कोई, तो त्यागी ने कहा भाई इसका ये वाला खाना ट्राई करके देख बहुत बॉम है, तो मैंने कहा भाई कुछ ऐसा खिलाते जो मज़ा भी आ जाए और फैट वैट की देखी जाएगी, कि 2-3 दिन हम दिख के खाना और उसके बाद फिर अपना वही सब कुछ एकदम क्या बोलते हैं उसे नमक मिर्च मसाले एकदम रोक के और वर्कआउट ठोक के। तो भाई ये फटाफट से खाता हूँ उसके बाद मिलता हूँ, कि भूख लग रही है बहुत तगड़ी। तेरा भी सिनेमैटिक बना रहा था क्या? क्या कहिए सुनो, अब जेन्युइन रिव्यू बताऊंगा कैसा है और कैसा नहीं है, ठीक है भाई? खाना बढ़िया ना हुआ। ओ, नाम आ गया। ठीक है डन, तूने बहुत तारीफ करी इसलिए बोल रहा हूँ। A few moments later. भाई ना लाइट। तो भाई एक नंबर खाना था, दो तो मैं मजाक कर रहा था, फ्री प्रमोशन वाली बात, अगर बेकार होता तो नहीं बताता, बट एक नंबर खाना था। कहाँ है त्यागी जी? पंजाब करी कॉर्नर है। कहाँ पे? शालीमार गार्डन। भाई एक नंबर खाना था त्यागी जी ने, मजा मान दिया भाई। कभी भी जब चक्कर किसी भाई का लगे तो जाके जरूर ट्राई करना, और खाते ही मुझे तो नींद आ रही है ना, बाजी की शक्ल बुरी है, खाना बहुत स्वाद है। ऐसा लगेगा तो मैं तुम्हारा गुस्सा से निकाल लूं। हाँ 24 घंटे ज्यादा। हमने कहा भैया नान आ रहे हैं, मैं जरा पता नहीं किस बात की आए थे पर स्वीट थे, और बाकी एक आदमी हमारे में इतना तेज है, देख जल्दी सुनो तेज एक ही हुआ, फिर तीसरा जैसी वीडियो ऑन होती है सबसे पहले चश्मा उतारे तुरंत। अच्छा ये इसी बात हो रही है, दिखता नहीं है, बची थी गाड़ियाँ। तो भाई अब चल रहे हैं घर।